गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑन द काइनेटिक एनर्जी, राइट। शायद आप लोग कल के वीडियो देखे होंगे, कल मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। मैंने काइनेटिक एनर्जी पर मैंने आपको 4-5 पॉइंट बता चुका था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एनर्जी किस पे डिपेंड्स करता है ना। उसके बाद मैंने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चेंजिंग होता है, ठीक है। कल मैंने आपको एक और भी टॉपिक बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। इट मींस वी कैन से एज कि वर्क इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, ओके। तो कल मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² राइट। तो ये वाली जो फॉर्मूला है मैंने आपको कल 5-6 तरह से है ना, 5-6 तरह से मैंने आपको कल प्रूफ करके बताया था, ठीक है। तो ये कल वाली वीडियो आप देख लेंगे, पार्ट 4 है या ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, ये वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 4 लेक्चर है या ठीक है। तो कल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताया था ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बताया था? ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम की ग्राफ क्या होती है, एनर्जी और वेलोसिटी की ग्राफ क्या होती है, एनर्जी और मासेस की ग्राफ क्या होती है, ये सारे मैं कल बता चुका हूं, ठीक है। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सेशन देखेंगे कि इस पे काइनेटिक एनर्जी पे कौन कौन प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है, तो ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होता है, बट न्यूमेरिकल थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये हमारा क्या है, एम क्या है हमारे पास है, यह मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी क्या आपके पास है, वेलोसिटी। क्या है यह? वेलोसिटी है। क्लियर हो रहा है बात आपको? तो क्या ऐसी सर हो सकता है क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की मास दे रखा है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मास दे रखा है और ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो हो रही है कुछ वेलोसिटी से मूवमेंट हो रही है, तो क्या इसे हम पुट अप द फॉर्मूला करने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, यही प्रॉब्लम्स होता है? नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल एंड सिंपल प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, जो प्रॉब्लम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके जेई का, और कुछ क्वेश्चन ऐसा बीएचयू में, सीबीएसई वगैरह में पूछा हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, और कैसे चेंज करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पे ध्यान रखिए आप, कल मैंने आपको बताया था एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये सबको पता है, ये सबको पता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, एनर्जी की क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। कल मैंने आपको 5-6 एक्सप्रेशन बताया था, कैलकुलस के पर्पज से बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑन रेफरेंस डिपेंड करता नहीं करता है, ठीक है। ये 1999 का एक क्वेश्चन था जेई का, कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस ऑफ फ्रेम या नॉट, ठीक है। मैंने कल आपको सोल्व भी करवाया था, ठीक है। तो यहां पे ये बात समझिए कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², मैं न्यूमेरिकल सेशन पे आ रहा हूं, गौर कीजिएगा, 1/2 mv² है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1/2 mv × v? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव कर रहा हूं, रिलेटिव बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम का, ये दोनों के रिलेशंस बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें नॉमेरिकल्स है, 5-6 नॉमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेरिकल्स होते हैं। 1/2 mv × यहां पर अगर हम mv लिख देते हैं, बोले तो v तो पहले से है मेरा, m हम क्या किए, एक्स्ट्रा ऐड किए, तो इस एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से डिवाइड करते हैं m, अगर m से m कैंसिल भी हो जाएगा तो फिर भी बात मेरा वही आ जाएगा। लेकिन अब देखिए mv क्या है, मोमेंटम है, mv क्या है, मोमेंटम है। मैं क्या लिख सकता हूं, p² / 2m, तो ये मेरा क्या निकल गया, एनर्जी इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला होता है किसके रिलेशन में, मोमेंटम की रिलेशन में, किसके रिलेशन में, मोमेंटम की रिलेशन में। तो यहां पे एक बात आती है, एक क्वेश्चंस आती है, क्वेश्चंस यह आता है, आप गौर कीजिएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस यहां पे यह है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम अगर इंक्रीज करेगा, अगर मोमेंटम इंक्रीज करती है, क्या करती है, मोमेंटम इंक्रीज करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहां पे गौर कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन है आपका, इफ ए बॉडी ऑफ मोमेंटम इंक्रीज विथ
40%। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए गौर से समझिए, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इफ ए बॉडी ऑफ मोमेंटम इंक्रीज विथ 40% देन फाइंड द इंक्रीजमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया एनर्जी और मोमेंटम का, इस पे क्या पूछा है कि अगर किसी भी बॉडी की मोमेंटम अगर 40% से इंक्रीज कर जाता है, 40% से इंक्रीज करता है, तो मुझे ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितना से चेंजिंग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग होने का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी, यहां पे पहले आप ये गौर कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कल आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से बता रखा था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर इसको और भी किसी तरह से लिख सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं देख लीजिए, पहले गौर कीजिए आप। यहां पे एक बात समझिएगा कि एनर्जी यहां पे क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मेरा एनर्जी E1 है तो उसकी मोमेंटम क्या होगा, P1 होगा। अगर एनर्जी मेरा E2 है तो मोमेंटम क्या होगा, P2 होगा। देख लीजिए यहां से, अगर E1 एनर्जी है तो P1/2m1, E2 होगा P2/2m2। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एनर्जी चेंज कर रहा है ना, यहां पे एनर्जी कितना से चेंज कर रहा है, जब मोमेंटम 40% से इंक्रीज कर रहा है, तो पहला मोमेंटम यहां पे क्या है, लेट P1 इज इक्वल टू क्या है आपका, P1 जो है 40% से इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है कि पहले टोटल कितना था, 100 था, अब कितना इंक्रीज कर गया, 40 इंक्रीज किया। कौन इंक्रीज किया, P1 इंक्रीज कर गया, किससे, P2 से। किससे इंक्रीज किया, P2 से। बात समझिएगा, इफ ए बॉडी ऑफ मोमेंटम इंक्रीज विथ 40%, मतलब कि पहले की मोमेंटम जो है वह इंक्रीज कर जाता है 40% से, तो इसका मतलब पहले वाला P1 है। अब कौन इंक्रीज कर रहा है, सर वही P1 इंक्रीज कर जा रहा है 40% से। ये बात समझ में आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 140 P1%, ये बात आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 140/100, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, ये P1 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये मेरे पास क्या बचा, 1.4 P1। इसका मतलब P2 जो चेंज कर रहा है 1.4 P1 से चेंज कर रहा है, 1.4 P1 से चेंज कर रहा है। अब कल मैंने एक रिलेशंस बताया था आपको, रिलेशंस क्या बताया था, याद रखिएगा कि एनर्जी का जो रिलेशंस होता है, जैसे E2 है, E2 इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां पर पुट कीजिएगा E2 जो है आपको चेंज कर रहा है, तो यहां से हो जाएगा P2/E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, P1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं कल बता रखा था आपको, कैसे सर आपको फिर से देखना है तो देख लीजिए आप, कैसे जहां पर हुआ था ये गौर कीजिएगा। देखिए यहां पे मेरा वेरिएशंस क्या है, पहले गौर कीजिएगा, मैं कल ग्राफ में बताया था, जैसे E is equal to P² / 2m है, बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं इसको E1 लिखूंगा तब P1 हो जाएगा, M1 हो जाएगा। ठीक है, मास यहां मेरा क्या था, कॉन्स्टेंट था, ग्राफ वाली वैल्यूज को आप याद कीजिएगा, ग्राफ की वैल्यूज जो है एनर्जी और मोमेंटम का, जहां पे मास मेरा क्या था, कॉन्स्टेंट था, ये दोनों सिर्फ क्या हो रहा था, इंक्रीजमेंट हो रही थी, मास मेरा क्या था यहां पे, कॉन्स्टेंट था। अब अगर हम करते हैं E2 को, तो यहां हो जाएगा बाबू P2, मैं बराबर नहीं बताऊंगा, एक बार देख लो आप लोग, P2² / 2m2। तो हमारा जो मास कांस्टेंट है तो मास दोनों का इक्वल है। अब क्या करेंगे हम, जब चेंजिंग हो रहा है तो E2/E1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2/2m × ये वाला 2m ऊपर की ओर चल जाएगा, बाय नीचे आ जाएगा P1, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, P2/P1 का होल स्क्वायर में कर सकता हूं, वही फॉर्मूला तो यहां पर पुट कर दिया डायरेक्ट में। ठीक है, E2/E1 इज इक्वल टू P2/P1, क्लियर हो रही है बात को आपको। अब देख लीजिए E2/E1 P2 कितना से चेंज कर रहा है बच्चों, देखो यहां पे P2 जो है 1.4 ऑफ P1 है, 1.4 ऑफ P1 / P1 का होल स्क्वायर। देखो P2 यहां पे चेंज किया है, P2 चेंज किया, पहले P1 था, आपको क्या कर गया, चेंज कर गया।
अब क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि 14th का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? 1.96, क्योंकि यहां से P1 से P1 तो कैंसिल हो जाएगा। 1.96 क्या? अब देखो E2 इक्वल टू हम फाइंड करेंगे तो E1 हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू 1.96 इंटू E1। इसका मतलब यह है कि सेकेंड एनर्जी जो है वह चेंज कर गया इतना से आ गया। तो यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं, इसे आप नोट्स कर लेना क्योंकि इसी पर वैल्यूज बनता है यार। अब देखिए, आपको मैंने क्या बताया था? चेंजिंग ऑफ एनर्जी। तो चेंजिंग ऑफ एनर्जी इसका मतलब है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है E2 माइनस E1, क्योंकि फाइनल हो गया E2, इनिशियल हो गया E1। अब यहां E2 देखो कितना आया है, 1.96 ऑफ E1 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना बच गया, 0.96 ऑफ E1, इतना आ गया हमारा। ये क्या है? चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज है बच्चों। तो ये परसेंटेज में आ गया आपका। ये क्या किया अब यहां पे देखिए, ये आपका E1 चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? E1 चेंज हो रहा है। तो 0.96 E1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यह E1 इंटू यहां पे परसेंटेज क्या है, 100। अब इसको क्या करेंगे, हम नीचे 100 लेंगे, E1 से E1 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो कितना हो गया, 96%। इसका मतलब है कि जब मोमेंटम अगर मेरा 40% से इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 96 से इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? 96 से इंक्रीज कर जाएगी। आप बराबर इस चीज को गौर कीजिएगा कि दोनों का रिलेशन कैसा है। तो पहले क्वेश्चन मेरे पास ये था, लेकिन इसी पे दूसरा क्वेश्चन से आपके BHU में क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने ये बताया कि मोमेंटम इंक्रीज कर रहा 40 से, तो काइनेटिक एनर्जी इतना से इंक्रीज करेगा। अगर 125% इंक्रीज कर जाता है काइनेटिक एनर्जी, तो बताइए मोमेंटम क्या होगा। ये BHU का क्वेश्चन है आपको कि अभी क्या पूछा, गौर करना। देखो इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बराबर घुमाकर पूछ रहा है। अगर मोमेंटम हमारे पास 40% से इंक्रीज किया है तो काइनेटिक कितना से इंक्रीज करेगा, आपने बना रखा दोनों के रिलेशंस निकाल के। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा किसी भी बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा किसी भी बॉडी का 125% इंक्रीज करता है तो बताइए कि मोमेंटम कितना से इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चंस आप फाइंड कीजिएगा। क्या है? काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है 125% से। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है 125% से, देन फाइंड द इंक्रीजमेंट ऑफ मोमेंटम। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे सैंपल्स में भी दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन से, ये लगातार क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्योंकि देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी में मास भी चेंजिंग हो रही है, मास भी पूछ सकता है, वेलोसिटी चेंजिंग हो रही है, वेलोसिटी पूछ सकता है। वेलोसिटी वाले में क्वेश्चन बताऊंगा, सीबीएसई PMT का क्वेश्चन 2001 का है। अगर यहां पे हम ये बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा चेंज हो रहा है 125% से, तो मोमेंटम कितना से चेंज होगा, एक बार सोचो आप लोग सब। अभी आपने ये बनाया था, इस पर थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे। देखो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद थोड़ा सा फाइंड करो कि काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग हो रही है। इसका मतलब है कि पहले नंबर आप इस चीज को फाइंड कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। ये मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। कभी कभी बराबर ऐसा लिखा जाता है एनर्जी के रूप में, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, K1 है या KI है। ये चेंज कर रहा है कितना से, 125% से। पहला वाला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है 125% से, ठीक है। तो अब ये बताना है आपको कि अगर पहले वाले काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है तो मोमेंटम इतना होगा, अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया तो मोमेंटम कितना से इंक्रीज करेगा, ये फाइंड कीजिए आप। तो यहां पे एक बात देखिए आप लोग कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल है,
और यहां पे क्या होगा 125 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि परसेंटेज में है। अब यहां से आप क्या आपको क्या करना है, यहां पे पहले इस चीज को देखिए कि इसको आप कट करके देखिए, कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा यहां से है ना, ये 9 और 4 25 और 4 हाँ ठीक है, ये आ गया आपको। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप लोग क्या कर दो, एलसीएम ले लो ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, 4 आ गया ठीक है, यहां पे क्या आ गया आपको, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो, क्या रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको ठीक है। के इनिशियल प्लस 9/4, के इनिशियल 9/4, ये आपको क्या देखने को मिला, ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीजमेंट हो रही है तो किसका इंक्रीजमेंट हो रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजमेंट हो रही है। अब आपको यह पता करना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो अभी आप एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद है, फॉर्मूला यह था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है, और ये एनर्जी कितना आ गया था आपको, मोमेंटम का 2 m आ गया। तो एक बात ध्यान रखो यहां पे, जब काइनेटिक एनर्जी इतना कवर किया तो मोमेंटम इस पर कितना कवर करेगा ठीक है। अब यहां पे आ जाइए आप लोग कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीजमेंट हो रही है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये माइनस हो जाएगा आपको, अगर इसको आप एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा, 4 यहां पे हो जाएगा कितना आपको, 4k प्लस यहां हो जाएगा 9, 4k प्लस 125 काटे नहीं, 25 ये 5 होगा, यस आओ हाँ 25 और 4 ठीक है, नहीं 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 25 और 4। तो यहां से क्या आ जाएगा आपको, है ना, यहां से आ जाएगा आपको क्या कर सकते हैं, 5/4 ऑफ, ये किसका हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल का हो रहा है। अब यहां से देखिए आप कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही तो चेंज कर रहा है आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में, तो ये माइनस अगर करेंगे आप 5/4 ऑफ KI इज इक्वल टू क्या निकल जा रहा है आपको, इज इक्वल टू निकल जा रहा है चेंजिंग ऑफ एनर्जी, इज इक्वल टू क्या निकल जा रहा है, चेंजिंग ऑफ एनर्जी। अब यहां से देखिए आप क्या आ गया कि चेंजिंग ऑफ एनर्जी आ गया, मोमेंटम कितना सा आया आपको, मोमेंटम इज इक्वल टू अभी भी मैंने आपको बताया था, ये रिलेशन याद कीजिएगा, E2/E1 इज इक्वल टू P2/P1 का होल स्क्वायर, ये रिलेशन बताया था ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं करूंगा, आप इसको क्या कीजिए, पुटअप कीजिए, पुटअप करने के बाद यहां पे क्या आपको आने वाला है, अब देखिए मोमेंटम यहां पे आपको क्या बोला कि मोमेंटम कितने से चेंज होने वाली है, मोमेंटम यहां पे कितना से चेंज होने वाली है, तो मोमेंटम आपको क्या करना होगा, E2 जो आप निकाले हो, E2 कितना आया था आपको, यहां पे देख लीजिए ये वाली E2 की वैल्यू है, यहां पे कितना आ गया 5/4 ऑफ K1 आ गया KI, और भाई यहां पे EI था, तो EI से EI कैंसिल हो गया डिवाइडेड आपको, और ये क्या हो गया P2/P1 का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, इसके ऊपर आपके स्क्वायर है, इस पर अगर आप स्क्वायर को आप डाल देते हो तो यहां से क्या हो जाता है 25/16 P2/P1। तो अब देखो यहां से क्या चेंजिंग हो रही है बच्चों, यहां पे P2 is to P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/16। ओके तो ये जो वैल्यूज आपको आ रही है इतनी की इसकी रेशियो से ये क्या करेगा, ये इंक्रीजमेंट कर जाएगी। तो ये सब इस प्रकार से आप फाइंड करो, कल जितने भी ग्राफ मैंने बताया था उसी ग्राफ पे ये क्वेश्चंस है ठीक है। अभी एक क्वेश्चंस और भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस इसके ऊपर है, ये क्वेश्चंस पे मैं इसलिए जोड़ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछने की आंसर रहती है ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ये बात ध्यान रखो कि अगर कोई भी बॉडीज का अगर वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी बॉडीज का अगर वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, गौर कीजिएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कितना से, 4% से ठीक है। कोई भी बॉडीज का वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर जा रहा है 4% से, देन चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अभी आप लोग देखे थे कि एनर्जी चेंज किया था, मोमेंटम कितना हुआ,
मोमेंटम इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। अब देखो एनर्जी पे आपकी कोरिलेशन क्या है, वेलोसिटी का। अब मुझे बताओ कोई भी बॉडी का अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 4% से, तो मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना से चेंज करेगा। फाइंड करो फास्ट फाइंड करो, यहां पे गौर करो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आप फॉर्मूले पे लगाओ, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले पे लगाओ, यहां पे फॉर्मूले पे लगाओ, ठीक है, है ना। फॉर्मूला पर कैसे लगाओगे एक बात देखो, समझना बात को आप लोग। पहले टोटल को तुमने मानो 100%, कितना 100%, इसमें कितना इंक्रीज कर रहा है 4%, कितना इंक्रीज कर जा रहा है 4%। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 100 प्लस 0.04, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1.04, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज क्या आपका है। तो यहां पे आप क्या करो, सबसे पहले इसे आप क्या करो 100 बनाओ, बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ इसको 100% ऑलरेडी पहले से ये बॉडी मूवमेंट में है। अब ये बॉडी में 4% और भी इंक्रीजमेंट आ गई है, ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद इसे आप सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी इसे सॉल्व करिए, मुझे बताओ। यहाँ पे 100% है, आप 4% इंक्रीज कर गया, अच्छा इसी में 4% इंक्रीज किया है, 4% इंक्रीज किया है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीजमेंट करेगा। ये क्वेश्चन आपके VHE का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं ये शायद क्वेश्चन आपका है CBSE PMT का क्वेश्चन है, यहाँ CBSE PMT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप इसको फाइंड कीजिए, वेलोसिटी अगर 4% से इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए यहां पे हो गया, वेलोसिटी हमारा इंक्रीजमेंट कितना से किया है, या वेलोसिटी इंक्रीजमेंट कर रही है आपको 4% से, यहां पे क्या आ गया 1.04 वेलोसिटी आ गया, मतलब कि पहले की जो वेलोसिटी है ये V1 है वो कितना है 100%। अब क्या हुआ, यही वाला इंक्रीज कर गया कितना 4%, क्या मेरा बन गया 1.0 V of 1। तो इसका मतलब है ये जो इंक्रीज किया है तो ये कौन सी वेलोसिटी है, V2 है। पहले वाला तो 100 था, अब ये चेंज कर गया इतना से, कौन चेंज किया, V1 ही चेंज किया है। अब ये वेलोसिटी कौन सा हो गया, V2 वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया, V2 वेलोसिटीज हो गया, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, क्या बोल रहा है चेंजिंग करने, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। अब देखिए 1/2 mv इज इक्वल टू कितना है, यहां पे लाए हो V2 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज को लाए हो तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1.04 V² ये वैल्यूज को आप में क्या करो पुटअप कर दो, ठीक है, ये वैल्यूज को पुटअप कीजिए। पुटअप करने के बाद ये जो वैल्यूज आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज आएगा वो कितना आ जाएगा, आप इसको स्क्वायर करके देखो, है ना। तो अगर हम यहां से ऐसे कर देते हैं बच्चों 1/2 m और V² को बाहर ला देते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, 1.04 का ही स्क्वायर सिर्फ बचता है, क्योंकि V² बाहर ला दीजिए। और ये वाला किसका फॉर्मूला है, सर काइनेटिक एनर्जी का है, तो सिर्फ ये बताओ कितना होगा, ये शायद होने वाला है आपको 1.08, इसका मतलब है 1.08 काइनेटिक एनर्जी चेंज किया, 1.08 काइनेटिक एनर्जी क्या किया, यहां से चेंज किया। अब देखो यहां पे एक बात समझना आपको कि काइनेटिक एनर्जी इतना से चेंज किया लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज कितना हुआ है, एग्जैक्ट परसेंटेज कितना हुआ इसको आप निकालोगे, इसके स्क्वायर करोगे, यहां से V² है, V² मेरा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1.04 इसके, है ना, जब स्क्वायर करोगे इतनी वैल्यूज आ जाएगा। अब यहां से ध्यान रखना कि V² और mv क्या वैल्यूज बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंजिंग है वह कितना हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो गया है 1.08 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल की है, ठीक है, बात आ रही है समझ में।
ठीक है, ये इंक्रीजमेंट किया था, यहां से वेलोसिटी आपकी v1 इंक्रीज किया था, v2 वाले क्या हुआ, ये v2 की वैल्यू से आ गया, यहां से पुट अप कर दिया, जहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी इतना से इंक्रीजमेंट हुई है। अब मुझे ये देखना यहां पर है कि काइनेटिक एनर्जी यहां कितना से चेंजिंग हो रही है, तो यहां से चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू करेंगे हम लोग e2 माइनस e1। e2 यहां पे कितना है, E2 यहां पे कितना है गौर कीजिएगा, E2 आपका 1.08 ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और माइनस E1 है, तो देखो यार यहां से कितना आया, एक घट गया 0.8 ऑफ ए आया हमारा, बात समझ में आ रही है, यही तो आया ना, एक बार गौर करना, ये काइनेटिक एनर्जी मेरा फाइनल आया, E2 आया, ठीक है। अब मेरा यहां पे फाइंड करना कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E2 माइनस E1, तो सर E2 बराबर तो फाइनल निकल चुके हैं, ये E2 मतलब क्या, V2, ये तो मेरा फाइनल वाला है, और इतना में से हम E1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, सर ये वाले कौन सी फॉर्मूला है, कहां से आया, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल लेके गया है, इसी को बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने कल एक्सप्रेस कर चुका था आपको। अब यहां पे जो वैल्यूज है 1.08 एनर्जी ऑफ E1 है, ठीक है, माइनस E1, यहां से आप घटाओगे इसको कितना आएगा, 0.8% आ जाएगा आपको। अब देखो अब क्या करना है, ये चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट वाला जो चेंज कितना से चेंज कर रहा है, 0.8 E1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, E1 इंटू 100%, यहां से क्या करेंगे हम लोग, है ना, इतना लेंगे, ये वैल्यूज आ जाएगा आपको, E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा या 80%, ठीक है। तो ये गौर कीजिएगा कि ये जो वैल्यूज, सॉरी 80 नहीं होगा या परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, 80 से चेंज कर जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से अगर वेलोसिटी से अगर हमारा फोर्स से चेंज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 80 से चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी टाइप का था, ये पूछता है मैक्सिमम टाइम पूछता है, बता रहा हूं कि ऐसी वाली क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कुछ भी वैल्यूज है, ठीक है, कोई भी वैल्यूज है उसे 100% लीजिए, 100 में जितना परसेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है उसका इंक्रीजमेंट कीजिए, इंक्रीजमेंट होने के बाद आप लोग क्या कीजिए, E2 का वैल्यू निकालिए, क्योंकि E1 तो ऑलरेडी चेंज कर चुका है, और चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल हो, कुछ भी हो, उसको क्या करना है आपको, उसमें से घटा देना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन अभी और देखेंगे, इस पे हम लोग ये लिख लिया आप लोग सब, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे, वो भी क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, एंड रेयरली उस क्वेश्चंस को पूछते ही जा रहा है, रेयरली उस क्वेश्चंस को पूछते ही जा रहा है, वो क्वेश्चंस आपका यह है कि अगर हमारे मोमेंटम, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है बाबू कि मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है 100% से, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज करेगा, फाइन, और इस टाइप में, ये सर मैंने पहले ही बता चुका था आपको, ये क्या है आपको कि मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रही है 100% से, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इधर एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला था, आराम से समझिए पहले, ये हमारे पास 100% है और 100 से और इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि 100% से इंक्रीज करने मतलब 200% हो गया, बस समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम, मोमेंटम जो है इंक्रीज कर रही है 100% से, इसका मतलब है कि 100% वो पहले से होगा, तो 100% प्लस 100% कितना हो गया, 200%। तो सर ये क्या चेंज किया, तो ये जो P1 है ये P1 इंक्रीजमेंट किया है 100% से, तो मेरा ये क्या बन गया, सर ये P2 बन गया, क्या बन गया, P2 बन गया, इसका मतलब है कि P1 कितना से, पहले P1 कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया, किसका, P1 की वैल्यूज कितना से, परसेंटेज से, कितना हो गया यहां पे, 200 डिवाइड बाय कितना, परसेंटेज के निकाल देंगे P1, यहां से डबल जीरो से डबल जीरो गया, मेरे पास क्या बचा, 2P1 बचा, किसकी वैल्यूज है, या P2 की वैल्यूज है, बस समझना है, P2 की वैल्यूज है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, चेंजिंग ऑफ, बस समझ में आ रही है, इस चीज को देखिएगा पहले, आराम से पहले समझिए, और अभी यहां से आप सोचिए कि आपको क्या करना है, यहां से पहले ये आपको फाइंड करना है कि कितना से चेंजिंग हो रही है, सोच लो पहले,
सोच लो यहाँ पे मैंने इतना करके दे दिया आपको, अब आप थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी पर चेंजिंग करके बताओ। काइनेटिक एनर्जी पे चेंजिंग करके बताओ कितना से यह चेंजिंग कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है, यहां देखिए मैंने बताया था अभी E2 by E1 is equal to बाबो P2 by P1 का होल स्क्वायर। फिर मत पूछना सर ये कहां से आया, तो ये वाली फॉर्मूला यहीं से आया था, E is equal to P square by 2m। जब यहां पे P2 वैल्यूज पुट करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो P2, P2 की वैल्यूज कितना है, 2P1 है, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 2P1 डिवाइड बाय क्या है मेरे पास P1, क्या हो गया होल स्क्वायर। P1 से P1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 4। अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं E2 is equal to 4E1। बस समझ में आ रही है, एक ऑब्जेक्ट है 100% पहले से है, 100 से इंक्रीज किया क्या बना 200%, तो यहां पे 200% क्या हो गया, P1 ही तो इंक्रीज किया ना, तो P2 का मेरा वैल्यू जो फाइनल वैल्यूज आया है तो 200% का क्या करेंगे नीचे 100 डालेंगे, ये कैंसिल होगा 2P1 आएगा। अब मेरा चेंजिंग देखो यहां पे एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है किसका, P2 का। मैंने कल ग्राफ बताया था, उस ग्राफ को आप लोग याद करेंगे, ठीक है, उस ग्राफ को याद करेंगे, सॉरी उस ग्राफ को इस प्रकार से ग्राफ मेरा एक था, ठीक है, कि अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीजमेंट करती है तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मोमेंटम का, ठीक है सर। ये कहां से आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए यहां से आया है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। देखिए तो एनर्जी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर है कि नहीं है, यहां देखिए तो एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m है कि नहीं है, इस पर भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे मास पे। अभी तक मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की वैल्यूज को बता रहा हूं। अब देखिए E2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4E1, कहां से आया यहां से कैलकुलेशन करके देख लो तुम लोग। अब देखो बाबू चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं E2 माइनस यहां पे E1, E2 माइनस E1, अरे यार देखो तो 4E1 क्या है, किसकी वैल्यूज है E2 का, मैं यहां लगा सकता हूं 4E1 माइनस E1 क्या हो गया 3E1, 3E1 काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3E1। बस समझ में आ रही है, बस समझ में आ रही है 3E1। ये देखो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेरा इतना है। अब चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब मेरा इतना है तो ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो कितना से चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, यहां देख लो। तो ये चेंज किया आपको परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कितना हो गया 3E1 डिवाइड बाय E1 इनटू 100। ये तो परसेंटेज चेंज किया है ना, पहला वाला चेंज किया है सेकंड वाले के साथ में, तो पहले हमारा इतना था, इसका मतलब है E2 जो है ना, E2 जो है E1 के साथ 100% से चेंज किया है, E2 जो है E1 के साथ 100% से चेंज किया है, तो E1 से E1 कैंसिल हो गया, तो बताओ ये कितना से हुआ है 300% से चेंज कर गया। देखो ये क्वेश्चंस ऐसा ही था आपका कि मोमेंटम जब 100 से चेंज करता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना से चेंज करेगा, ये क्वेश्चंस आपको पूछा और क्वेश्चंस था यार। तो इस प्रकार के रिलेशंस को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखना है, एक दो क्वेश्चन और भी देखें क्योंकि न्यूमेरिकली सेक्शन है, हाँ ना, काइनेटिक एनर्जी का मैंने टोटली बता चुका था आपको। नेक्स्ट आपके पास जो बचा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बचा हुआ है एंड कॉलिजन बचा हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को और भी देखो, एक दो क्वेश्चन को, उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यह है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वेलोसिटी की जो मूवमेंट है 2i+4j है, 2i+4j है, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट की मास हमारे पास कितना है दिया हुआ, 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये आपके ऐसा एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, ऐसा एम करीम का ही क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो यहां से मुझे फाइंड करके बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन में ये देखिए आप लोग, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा सर बहुत ही इजी है, कैसे इजी है, कैसे कर सकते हो, ये देखो छोटे वाले क्वेश्चन है, बहुत छोटे टाइप का है यार। वेलोसिटी, अब यहां पे देखो क्या करना है आपको,
देखो यार न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको पहले फॉर्मूला पे देखना होगा किसके रिलेशंस है, किसके रिलेशंस है, किसके साथ रिलेशंस है। ओके ये गौर कीजिए आप लोग। पहले यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1/2 mv² होता है। बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। यहां पे v इज इक्वल टू 2i+4j में है, तो ये तो कंपोनेंट है x और y कंपोनेंट में है, हमारा कोई सिंगल है नहीं। क्या आपको ये बताया गया था इसकी रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए तो क्या करना था, x² + y² = r वेक्टर निकलता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, v इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर रूट अंडर। बस समझ में आ रही है। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 + 16 का रूट अंडर, कितना हो जाएगा 20 का रूट अंडर हो जाएगा। ये आपको आ गया वेलोसिटी। अब तो आपके लिए इजी है ना ये चीज, इजी ये है कि अब आपकी वेलोसिटीज आ गया, अब तो पुट अप कर सकते हो। पुट अप करने के लिए आप देखो फिर से क्या करना है, बनाओ खुद से बनाओ। मास है ये आपको ग्राम में दिया हुआ है, केजी में चेंज करना है 10/1000। ठीक है ये खत्म हो गया, 0.01 आ गया, यहां से आ गया 0.01 × v की वैल्यूज कितना है, √20 है, इसके स्क्वायर करेंगे 1/2 × 0.01 × यहां √20 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। यहां से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब मेरा यहां पे क्या बचा 1/10 बचा, इसका मतलब है 0.1 जूल बचा, 1 जूल। ठीक है ये हो गया। ओके क्लियर हो रही बात आपको, समझ में आ रही है, देख लीजिए पहले इसको आप। माना एक दो क्वेश्चन और है बताऊंगा अभी नहीं पता। ओके अब देखिए क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास दे रखा है, उसकी मास कितना है, यह 5 kg है। देखिए आप लोग 5 kg है, इस पे जो फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन लग रहा है। ओके एंड मोमेंटम का, मोमेंटम की वैल्यूज दे रखा है 10 kg/s। ये ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड मूव करता है, 10 सेकेंड मूव कर रही है, तो आप ये बताइए कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। डी एच यू का क्वेश्चन सही है, ये आपको बताइए मुझे कि कोई एक मास है। अब रिलेशंस देखो यार, देखो एक मैं बात बता रहा हूं, कोई भी किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, किसी भी चीज का हो, पहले क्वेश्चंस के पैटर्न समझो, क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है इस चीज में। एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास 5 kg है, 10 सेकेंड वह चलता है, उस पर इतना फोर्स लगाया गया है, उसकी मोमेंटम इतना है, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये बात ध्यान रखो। अब मुझे एक बात बता दो, क्या काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का इज इक्वल टू हो सकता है, नहीं कभी नहीं हो सकता है। ये बात गया काम से, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स जरूर है यार। मैंने आपको बताया था कि फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे वर्गडन होगा, अगर हम फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे इंपल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां पे मैंने यह भी बताया था आपको कि मोमेंटम जो होता है आपको इंपल्स का इक्वल होता है, ये पिछले वाले लेक्चर से बता रखा हूं। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, मोमेंटम ठीक है, यहां पे गौर कीजिएगा, मोमेंटम आपको कितना से चेंजिंग हो रही है। पहले आप क्या करो, इसकी गिवन डैट जितना है उसी को लिख लो। गिवन डैट लिखने से आपको ये मालूम चलेगा कि सर मोमेंटम की जो चेंजिंग है ये p2 - p1 है, सर यहां पे ये मेरा p1 दे रखा है, ये मोमेंटम हमारा चेंज करेगा, मोमेंटम जब चेंज करेगा तो एनर्जी भी चेंज होगा, ये फॉर्मूला यहां है। आपको रिलेशन देखो,
P1 पहले मेरा यहां पर है, P1 पहले है, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन था आपको कौन सा कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा था, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा था 4% से, तो उसमें आपने निकाला होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज किया है। तो ये गौर कीजिएगा आप लोग कि मैं बताया था आपको कि 100 प्लस ये कितना हो गया 4 कर सकते हैं 1.04, ठीक है, एनर्जी आ गया, यहां से कितना आ गया 1.08 आ गया। तो यहां पे देखो ये क्या निकल गया है, E2 की वैल्यू निकल गया है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1.08 ऑफ E1 माइनस E1, ये कितना घट के आ गया 0.08 ऑफ E1। मैक्सिमम टाइम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है। एक जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि सर अगर कभी भी कहीं भी अगर गाड़ी रुकती है तो उस पे एनर्जी क्या है ना, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल्स। पहले नंबर ये समझिएगा कि कोई भी एक, ठीक है, तो यहां पे एक ध्यान रखिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है।